खबर इटावा जनपद से, जहां उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने जनपद खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी व एसएसपी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अनंत प्रताप अग्रवाल ने एक दर्जन से अधिक जनपद के व्यापारियों के साथ ज्ञापन दिया है। बताया जाता है कि पूरे जनपद खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी सैंपल इनके नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों व कस्बों में छोटे छोटे व्यापारियों के यहां जाकर सैंपल भरने के नाम पर डरा धमका कर सैंपल फेल होने, भारी जुर्माना होने, वहां जेल तक की सजा बताकर अवैध वसूली करने की शिकायतें आए दिन व्यापार मंडल को मिल रही है। 22 अक्टूबर 2020 को खाद्य विभाग के अधिकारी कलामुद्दीन मोहर सिंह आदि जसवंत नगर कस्बे में अभी लगभग 3 या 4 माह पुरानी किराने की दुकान पर व्यापारी अनिल कुमार के बताए अनुसार तीसरी बार सैंपल भरने पहुंच गए। व्यापारी ने बताया कि खाद्य विभाग के कलामुद्दीन व मोहर सिंह 2 बार 5,000 रूपए पूर्व में ले जा चुके थे। इस बात को लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। व्यापारियों का मानना है कि कोई भी त्योहार आए खाद्य विभाग अधिकारी सैंपल के नाम पर जमकर वसूली करते हैं और व्यापारियों को परेशान करते हैं। इन सब बातों को लेकर उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल ने तमाम व्यापारियों के साथ जिलाधिकारी व एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है, जिसने निष्पक्ष जांच कराकर खाद्य विभाग अधिकारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज किया जाए। क्या है पूरा मामला, क्या है? उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में हम लोग जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का एक विभाग है खाद्य विभाग, जो सैंपलिंग का काम करके मिलावट की सैंपलिंग में ये अभियान चलाता है, उसके खिलाफ यहाँ हम लोग अपनी पीड़ा व्यक्त करने आए हैं और दोनों उच्च अधिकारियों से ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हमारी शिकायती पत्र पर जांच के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। अभी जसवंत नगर में 22 अक्टूबर को खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी कमालुद्दीन और मोहर सिंह अपने साथियों के साथ जसवंत नगर कस्बे में एक किराने की दुकान जो अभी 3 या 4 महीने हुए लगभग खुले हुए, तीसरी बार सैंपलिंग करने पहुंच गए। पूर्व में 2 बार गए, व्यापारी को डराया धमकाया और 5,000 रूपए लेके लौट आए। अभी 22 तारीख को फिर ये पहुंचे तो उस व्यापारी ने कहा, अनिल गुप्ता है, उसने कहा कि भाई इतनी जल्दी जल्दी आप अगर आओगे तो हम कैसे व्यापार कर पाएंगे, हम कोई मिलावट का काम थोड़ी करते हैं। इस पर उन्होंने धमक दी और सैंपलिंग भर के बोले कि आप जो है दफ्तर आ जाना। इतने में हमारे व्यापारी ने जसवंत नगर के अध्यक्ष राम कुमार गुप्ता जी को फोन किया, वो तत्काल उस पीड़ित दुकानदार के यहाँ पहुंचे, खाद्य विभाग के अधिकारियों से वार्ता की। वार्ता करना कोई गुनाह नहीं है, आपके चैनलों के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हम व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे कस्बों में इकाइयां हैं, उनका दायित्व बनता है कि अगर कोई पीड़ित व्यापारी अपनी पीड़ा व्यक्त करता है तो वहां पहुंच के उसको राहत प्रदान की जाए। उसी के तहत हमारे अध्यक्ष राम कुमार गुप्ता जब वहां पहुंचे, खाद्य विभाग के अधिकारियों से लोकतांत्रिक तरीके से वार्ता की और विरोध किया इस बात का कि ये तो गलत बात है कि आप 3 महीने में 3 बार आ रहे हैं, ये ऐसी क्या बात है। इस पर उन्होंने अधिकारियों ने हमारे अध्यक्ष और व्यापारी को अभद्र भाषा में प्रयोग किया, बहुत नेता बनते हो, मेरे पास बहुत पावर है, सरकारी काम में बाधा है, इस नाम पर हम आपको देख लेंगे। और पता लगा कि शाम को थाने जाके उन्होंने एक आईपीसी और सीआरपी की धारा में 335-353 की धारा जो है उसमें इन्हें अधिकार है, भ्रष्टाचार करने की एक सुरक्षा कवच है ये धारा। अधिकारी इसकी आड़ में खुलेआम रिश्वत लेते हैं और अगर कोई सामने वाला विरोध करता है तो उसके खिलाफ सरकारी काम में बाधा की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं, इसलिए सामने वाले का मनोबल गिर जाता है और ये खुलेआम लूट कर रहे हैं। मैं आपके चैनलों के माध्यम से ये दावा करते हैं 100% ये खाद्य विभाग सैंपल विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसकी जांच कराई जाए। अगर 1% भी 99% भी निकले तो अनंत अग्रवाल को जो सरकार चाहे सजा दे। इसकी गुप्त जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो झूठे मुकदमे हमारे व्यापारी और व्यापार मंडल पर सरकारी काम में बाधा लगाया गया है वो वापस लिया जाए और हमारी प्रार्थना पत्र पर उसके खिलाफ कानूनी